example 1. X Limited wins a competitive bid to provide consulting services to a new customer. The contract life is 3 years. Axe Limited incurs the following costs to obtain the contract. Commission to sale employees for winning the contract. Capitalized wala expense wala? Capitalized wala. External legal fee for due diligence consultancies of bid preparation. Kya hai? Expense wala. Travel cost to deliver proposal. Expense wala. एनालिसिस दोनों नहीं करना है हम पहले ज़रा अपना काम कर लें जी अब क्या एंट्री होगी जी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की क्या एंट्री होगी पंद्रह जमा दस चालीस पंद्रह जमा पच्चीस सॉरी चालीस उसके बाद नेक्स्ट इन्वेंट्री डेबिट एक मिनट जी इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट दस हज़ार से और उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट अब दस साल पर अगर लाइफ एसिड की दस साल इसकी कॉन्ट्रैक्ट की दस साल है तो रेवेन्यू तीन साल है रेवेन्यू तीन साल पे अगर जाना है तो इस दस ने भी तीन साल पे ही जाना जी थ्री पॉइंट थ्री थ्री आप कहना चाह रहे हैं ठीक है और ये थ्री पॉइंट थ्री थ्री कैसे निकला है टेन डिवाइडेड बाय थ्री इयर्स ठीक है जी और या इसको टेन इंटू वन बाय थ्री कर लें ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या कहते हैं जी इसको अमाउटाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ये कहीं लिखा हो मेरे तो परेशान ना हो जाना यही है ओके okay, डन तो ये जो आपने किया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को तीन से डिवाइड करके रिकॉर्ड किया इसको क्या कहते हैं जी स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड को कहता है अमोटाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कौन सी वाली कॉन्ट्रैक्ट कौन सी वाली कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट की जो इंक्रीमेंटल है जो इनक्रीमेंटल गॉट इट सही है चलो एक अगली एग्जाम्पल भी कर दो फटाफट इतनी इधर से देख इधर से देख अच्छा ये एनालिसिस एनालिसिस तो पढ़ लें क्या कहता है द कमीशन टू सेल एम्प्लॉइज इंक्रीमेंटल टू अपटेनिंग द कॉन्टेंट शुड भी कैपिटलाइज ये देखना है क्योंकि आप सवाल में वो कहेगा कमेंट करते हो तो इस तरह कमेंट ही लिखना होता है ना तो ये पढ़ना है आपने ठीक है जी द कमीशन टू सेल्स एम्प्लॉयज इज इंक्रीमेंटल टू अपटेनिंग द कॉन्ट्रेक्ट एंड शुड भी कैपिटलाइज एज अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंड रुपीज टेन थाउजेंड एंड रुपीज टेन थाउजेंड इट विल बी मोटाइज ओवर अ पीरियड ऑफ थ्री ईर्यर द एक्सटर्नल लीगल फी ट्रेवलिंग कॉस्ट नॉट इक्रीमेंटल देयर फोर दे बीन इनकर्ड दे शुड हैवीन दे वुड हैव बीन इनकर्ड वेल के रिगार्ड ऑफ वक्स पी एल सी ऑबटेन द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट देयर इनको आपने जो है वो एक्सपेंस आउट करना है इसको आपने इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाना ठीक है जी एग्जाम्पल टू करें यहां से देख असगर को बुलाएं थे? सर तो आप आगे आ गए हो कहां से देखेंगे कोई बात नहीं मैं जा रहा हूं जी बच्चों द अ सेल पर्सन आंस अ फाइव परसेंट कमीशन फाइव परसेंट कमीशन ऑन ऑन विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है जी अच्छा अब ये विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट वाला और तुम्हें क्या हो गया है? ये विनिंग द दी कॉन्ट्रैक्ट वाला जो कमीशन है ये तो असल में एसेट है कैपिटलाइज कर लो ठीक है आगे कहता है ऑन विनिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज साइंड ड्यूरिंग जनवरी द प्रोडक्ट विल बी ओ द प्रोडक्ट विल बी डिलिवर्ड इन द करेंट ईयर ओनली तो ये तो एक्सेप्शन आ गई तो इस सी को अब काट के ई कर दें ठीक है सारा रेवन्यू हमारे साल में बुक हो जाने है। तो ये सारी कॉस्ट भी हमारे साल में ही बुक हो जाएगी ठीक है सही है मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया अच्छा जी पास पेपर एट का वन देखें ज़रा कौन सा है जी बेटा कौन सा सवाल है देखें जरा कौन सा है <coughs> एक मिनट ज़रा चलें मिल पढ़ते हैं यार चाय जल्दी से चाहिए तबियत तो थोड़ी सी ना सर थोड़ा सा तो ऑन जकम अक्टूबर उन्नीस टी एम एल सोल्ड मशीन सी एक मिनट बात सुनो चलो चलो वापस आते है तो कर लेते हैं वापस आते है तो कर लेते भाई आओ भाई आ, आ जाओ भाई भाई ब्रेक कोई नहीं भी पॉज करें इसको अच्छा जी ऑन <coughs> यकम अक्टूबर उन्नीस टी एम एल सोल्ड मशीन सी टू त्रिच मीर ने चान लिमिटेड को मशीन बेची है 25 मिलियन की एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर टू इयर्स। सोल्ड टूडे सोल्ड सोल्ड और पेमेंट आ रही है दो साल बाद द अकाउंटेंट रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफ 25 मिलियन अपॉन डिलीवरी ऑन अच्छा ये तो गलती है ना इसी दिन डिलीवरी हो गई है बस ये पता होना चाहिए कि यकम अक्टूबर को डिलीवरी भी हो गई है गुड्स की ठीक है ना ये अच्छा इसके बाद ये नई चीज़ें ज़रा इसको भी बाद में देखते हैं अब जी एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज़ टेन परसेंट पर एन अब इससे पुराना सवाल पिछला सवाल जो है इसमें औरिजनल सारा काम तो हम कर सकते हैं मेरे ख्याल से ठीक है यकम अक्टूबर 19 को हमने एक मशीन बेची है और पैसे दो साल के बाद आने हैं तो कौन सा वाला केस है ये दोनों बातें मिक्स होगी ना जो सुबह पड़ी और अब वाली है ना कौन सा वाला केस है जी आज डिलीवरी हो गई और कैश बाद में है। तो इसका मतलब सेल को हमने प्रेजेंट वैल्यू पे बुक कर लेना आज ठीक है तो यम अक्टूबर जी बच्चों यकम अक्टूबर 2000 डेट तरतीब हो जाते डेट डिस्क्रिप्शन और जी चीज़ें आज भेज दी हैं कैश दो साल के बाद आना है तो क्या है हमारा डेटर क्या लड़ाई हो रही है यार अच्छा जी यकम अक्टूबर 2019 पर सेल बुक करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू पे करेंगे 25 मिलियन की रिसीविंग होनी है 25 मिलियन में रिसीव होगा ना बोलो क्या डिस्काउंट रेट सवाल में केवन है माइनस टू आंसर इज 20.66 ठीक है अब ये डेटर ने ग्रो होने तीस सितंबर 2020 मैंने नहीं ईयर एंड देखा वजह क्या है हम शेड्यूल बना रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के इस कॉन्ट्रैक्ट के ईयर के हिसाब से फिर एंड में देखेंगे हमारा साल क्या है हमारा साल भी यही हो तो मौजें लग जाएंगी नहीं तो हम अपने साल के हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे ठीक है तो 30 सितंबर 2020 पर इंटरेस्ट इनकम बुक होगी 20.66 पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन परसेंट टू पॉइंट जीरो सेवन कर लीजिए ले लेकिन कोई पैसे आए नहीं साथ साथ तो ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन थ्री आ जाएगा कैरिंग अमाउंट आ गई तीस सितंबर दो हजार बीस इक्कीस को इंटरेस्ट इनकम ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन थ्री इंटू टेन परसेंट टू पॉइंट टू सेवन और साथ ही कैश आएगा और ये सवाल से मिल जाया करेगा हमें तीस सितंबर पर कैश आना है कितना पच्चीस क्वेश्चन से उठाया करते थे ठीक है बातें याद हैं जो पढ़ी हुई है जी कितना आया जी पच्चीस आप बराबर हो गया बिल्कुल सुबहान किसने कैलकुलेशन करवाई है उसने करवाई जबरदस्त जी, जी जीरो कैरिंग अमाउंट जीरो हो गई अब एंट्रीज होनी क्या चाहिए एक मिनट हमारा साल तो पढ़ लें अब जी हमारा ये रेंड है जी 31 दिसंबर 2019 तो यकम अक्टूबर को और 31 दिसंबर को दो ही एंट्रीज बनती हैं क्या ख्याल है ठीक है तो यकम अक्टूबर को ओरिजिनल एंट्रीज की अगर बात करें तो यहाँ ही कर लेते हो ये वर्किंग हो गई हमारी पर्चे में ऐसे चल रहा था ना काम ठीक है जी यकम अक्टूबर 2019 पर डेटर डेबिट सेल क्रेडिट की एंट्री करेंगे रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू लिखा हुआ है उसने गलती में तो रेवेन्यू लेते ना जरा ईजी हो जाता है जरा और फर्क कोई नहीं पड़ता लेकिन जरा ईजी होता है रेक्टीफाइंग करना रेक्टीफाइंग एंट्रीज है ना इस सवाल के अंदर गलती जो आ गई है जी तो डेटर डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट पच्चीस से है का होकर ट्वेंटी पॉइंट सिक्स सिक्स और उसके बाद इकतीस दिसंबर दो हजार उन्नीस पर इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम करेडिट और ये इंटरेस्ट इनकम पूरी टू पॉइंट ज़ीरो सेवन रिकॉर्ड कर लेनी जी नहीं ये नहीं हो सकता उसकी वजह ये है कि पूरा साल तो गुजरा ही नहीं ये डेटर सिर्फ कितने 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 महीने की इनकम बुक करनी है आपने तो टू पॉइंट ज़ीरो सेवन इंटू थ्री बाय जी बेटा फाइव वन सेवन फाइव फाइव टू कर लूँ फाइव टू भाई ना छोड़ो इस इस मौके पे मुझे बच्चों ने पता फाइव वन पता नहीं क्या लिखवा दिया मुझे जी ओके okay. अब रॉन्ग एंट्री में आपने लाइन का बैगर बनना है ठीक है जी क्या बनना है लाइन का बैगर द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड सेल्स रेवेन्यू ऑफ 25 मिलियन अपॉन डिलीवरी ऑन अक्टूबर कहता है जी उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया पूरे पच्चीस का अपॉन डिलीवरी डेटर डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट पच्चीस यहां तक को मसला अगली बात आगे वो कहता है कुछ बातें मैंने छुपाई हुई थी ये नई बात आज पढ़ी ना इसलिए तो उसने ये सवाल किया था वरना तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने किया हुआ था लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था जो बीच में आ रहा है इस वजह से ये सवाल का पार्ट जो ये है ये पेंडिंग था ठीक है आप देखें फर्दर कमीशन पेड टू सेल एम्प्लॉयज फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वन पॉइंट सिक्स मिलियन पहले तो आगे देखें ना उसने क्या किया वो तो बाद की बात है कहता है ये कमीशन जो है सेल्स एम्प्लॉइज को ऑन फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1.6 मिलियन इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए जी इन्वेंट्री डेबिट ठीक है मतलब आप ये कह रहे हैं कितना कितना ये है कितना 1.6. आप इसके बारे में मुझे ये कह रहे हैं कि इसको मैं कैपिटलाइज कर लूँ ये कैपिटलाइज वाला है ना देख लो अल्लाह आपको हिदायत दे कि कितने साल के ऊपर फैला हुआ कॉन्ट्रैक्ट है रेवेन्यू दो साल पे रिकॉर्ड होगा ना है ना रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड हो रहा है ना बे बेशर्म होते बेशर्मियों हो। रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड हो रहा है ये गाड़ी डिलीवर की ये रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया पैसे सिर्फ लेट आ रहे हैं जिस वजह से इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया है ये इंटरेस्ट जो है ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का तो मसला ही नहीं तो पैसों की देर सवेर का मसला है आज चीज़ें दे रहे हैं और आज पैसे नहीं आ रहे हैं दो साल बाद पैसे आएंगे तो आप इंटरेस्ट इनकम ये बुक कर रहे हैं लोग लेकिन क्या आपका रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड हो रहा है ये तो रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड हो रहा है कुछ खुदा का खौफ करें इसका मतलब आपकी बात तो ठीक थी कि ये है तो कैपिटलाइज वाला लेकिन इनको एक मिनट रोके आप सही कह रहे थे कि इंटरेस्ट तो ये होना तो कैपिटलाइज वाला ही केस है ये लेकिन मामला क्या हुआ मामला ये हुआ कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू ही पूरा का पूरा इस साल में रिकॉर्ड हो गया है और इस कॉन्ट्रैक्ट का सारा रेवेन्यू इसी साल में रिकॉर्ड हुआ है इंटरेस्ट इज नॉट आर रेवेन्यू यही तो लड़ाई स्टैंडर्ड ने डाली थी स्टैंडर्ड यही तो कहता था कि पच्चीस आपका रेवेन्यू नहीं है ये तो उसने गलत किया हुआ है ठीक है वो कहता है भाईजन आपकी गाड़ी की कीमत ये है आज पहले दिन कहा था बीस रुपए की आपकी गाड़ी है और पांच रुपए तो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं लेट पेमेंट वैसे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इसी को तो कहा था तो इसीलिए मैंने आपको समरी के अंदर लिखवाया है काट के लिख दिया था मैंने कि आपने कैपिटलाइज करना है इंक्रीमेंटल वाली को लेकिन नीचे नोट क्या पड़ा हुआ था क्या जरा जाके देखो जरा जाके देखो मैं नहीं जा रहा बहुत ऐसे ऐसे करके जाना पड़ता है जी मैंने जो काट के लिखा था कितने बच्चों ने वो खुद ही उस तरह से कर लिया था मेरी तरह से अब देखो जरा वो जाके पढ़ो वो इजी हो गया रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस इफ रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड इन वन ईयर क्या रेवेन्यू फैल के रिकॉर्ड हो रहा है क्या रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड हो रहा है तमीज बच्चे पता नहीं क्या करते हैं तो हमने यकम अक्टूबर को ही ये पे किया होगा शायद डेट नहीं गिवन डेट गिवन है जी डेट गिवन है किसने ये पे किया 1.6 पॉइंट मिलियन नहीं केवल तो कोई नहीं मैं भी नहीं लिख रहा मैं तो डेट आपको समझाने के लिए लिख रहा था मुझे तो रिक्वायर्ड भी नहीं है जनरल एंट्रीज में डेट्स लिखना ठीक है <coughs> तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट वन पॉइंट सिक्स आपने वही किया जो उसने किया हुआ है आपने वही किया जो उसने किया हुआ है चेक करो कहता है फर्दर कमीशन पेड टू सेल एम्प्लाई फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1.6 पॉइंट सिक्स वॉज कैपिटलाइज तुम लोगों को जैसा ही था ये अकाउंटेंट तुम लोगों को जैसा ही था ये अकाउंटेंट एंड वन पॉइंट सिक्स का ये जो खर्चा है इसने कर दिया है कैपिटलाइज यानी इसने इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट किया ठीक है जी कितने से वन पॉइंट सिक्स से और अगली बात कैपिटलाइज <coughs> किया है एंड एंड अमाउटाइज ओवर टू ईयर्स पीरियड अब अच्छा अब ये ना समझ लेना आपके उसने वन परस इज वैर टू करके सारी मोटेशन ही कर दी होगी अगली बात उसने एसिड बनाया तो इतनी उसको सेंस होगी भाई खुदा खौफ करें कि वो दो तीन महीने जो है उसको उसको देख लिया होगा उसने एसिड बना के मोटाइज ओवर टू ईयर्स कर रहा है ना ओवर टू ईयर्स उसने दो साल में कॉन्ट्रैक्ट में फैलाया तो इस साल के अंदर वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ही रखेगा ठीक है तो एक्सपेंस डेबिट और उसने अपनी तरफ से एक्सपेंस डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट किया हुआ तो revenue, sorry, है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू सॉरी ठीक है एक्सपेंस डेबिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट ये मैं इसलिए एक्सपेंस लिखा है क्योंकि वहां से expense, expense थोड़ा करेक्शन में ईजी रहेगा काम ठीक है एक्सपेंस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट जी वन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय टू ईर्स बल्कि हाँ ठीक है डिवाइडेड बाय क्या आंसर आता है जो भी आता है ना उसको तीन बटा बारह कर लो पॉइंट टू तो, और पॉइंट टू बड्डे अकाउंटेंट बने फिर देने ठीक है कैसा था सरप्राइज प्राइस और बोलो थोड़ा ध्यान से देख लिया करो ना चलो बातें याद रखने से याद रहती है कोई नहीं आ जाएगा पहली बार जो पढ़ा आज तो लेकिन शुक्र करो कि अभी मौके में ऐसा धचका लग गया ना है ना क्या ख्याल है अब ये बात इन याद रहेगी वन पॉइंट सिक्स पे उसने रिकॉर्ड कर लिया मिनटी अब पढ़े को मसला तो नहीं इसमें करेक्शन करेक्शन कर लेंगे वही मैं ही करा दूँ की पता था रेक्टिफाइंग एंट्री जी डेटर कर लेंगे आप ये तो देख लें आप देख लें अगर एंट्री करके देख लें मेरी तसली तो नहीं हो रही वैसे जी डेटर डेबिट होना बीस से ज्यादा डेबिट हो गया तो सही करने के लिए क्रेडिट कर दें कितने से फोर नहीं बेटा फोर पॉइंट थ्री पॉइंट एट टू और रेवेन्यू अगले वाले भी मिला लिए आहा। अलग अलग कर लेते हैं चलो डेटर डेबिट होना था ट्वेंटी पॉइंट सिक्स और पॉइंट फाइव टू कितना बनता है ट्वेंटी वन से हैं वट एवर से डेबिट होना था हो गया पच्चीस से तो सही करने के लिए कुछ मैं ये कह रहा हूं कि आप अलग रखो इसको ना ऐसे मेरे जैसा बच्चा भी तो वही होता ही है ना जी क्या उसको नहीं समझ आ रही होती चीज़ों की तो आसान रखो बात को मैंने जो कहा था वही करो जी डेटर डेबिट होना था ट्वेंटी से एंट्री अलग क्यों करवाई है मैं तो ठीक कर रहा था मैंने ये जगह भी इसीलिए खाली छोड़ दी है ताकि ज़रा ईजी रहे ठीक है ना उसने तो रेवेन्यू सारा रिकॉर्ड कर लिया उसने ये काम किया ही नहीं ये मैंने इसलिए अलग अलग रखी हुई तो आप अलग अलग ही करें एक्टिफाइंग एंट्रीज पास कोई मसला नहीं पूरे नंबर मिलेंगे ईजी भी है तो डेटर डेबिट होना था बीस से हो गया तो ये फोर पॉइंट थ्री फोर से ज़्यादा डेबिट हो गया सही करने के लिए इसको क्रेडिट कर दो फोर पॉइंट थ्री फोर से रेवेन्यू बीस से क्रेडिट होना था पच्चीस से क्रेडिट हो गया और ये रेवेन्यू नहीं है तुम्हारा फोर 34 तो इंटरेस्ट था तुमने रेवेन्यू बना लिया स्टैंडर्ड ये तो पीटता है यहाँ पे आके कि लोग ओवर कर जाते हैं अपनी सेल को नहीं करने देता वो कहता है सेल गुड्स की है बाकी तुम इंटरेस्ट ले रहे हो रेवेन्यू को मत ओवर करो तो फोर पॉइंट थ्री फोर नेक्स्ट ये उसने काम किया ही नहीं तो अगली एंट्री डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम अब ये कंबाइन एंट्री बच्चे कर रहे थे बिल्कुल ठीक है कर सकते हैं डाटर इकट्ठा आता सेल और इंटरेस्ट अलग इस तरह से आ जाता जी लेकिन हमने इसको अलग कर लिया पॉइंट फाइव ठीक है जी उसके बाद करनी थी एंट्री एक्सपेंस डेबिट वन पॉइंट सिक्स से कर गए एक्सपेंस को डेबिट पॉइंट टू से चलो सही करना है ना तो एक्सपेंस को मजीद डेबिट कर लो ये भी तोड़ के करनी तो कर लो इसको भी अलग अलग कर लेंगे ठीक है मैं तो इसलिए एक्सपेंस लिखा से चले एक्सपेंस डेबिट करना था नहीं किया करें 1.6 से कैश क्रेड होना था हो गया कुछ ना करें इन्वेंट्री डेबिट गलती से हुआ सही करने के लिए क्रेडिट कर दें और इसको उल्टा दें तो फिर खोल देती हैं एंट्रियाँ तो खोल हैं फिर ठीक एक्सपेंस यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू क्रेडिट है? तोड़ दिया तो थो, तोड़ दिया फिर सबको ही तोड़ दो सारी एंट्रीज को सही है क्लियर है इकट्ठी भी कर सकते हैं कोई मसला नहीं क्या जी अब आज एक नया कॉन्सर्ट पढ़ लें एक दो एक सवाल बड़ा मुश्किल सा करना है मैंने थोड़ा लेट हो सकता है हो जाए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं असल में ना मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी डिफरेंट लेकर चल रहा होता हूँ तो मैं आपको क्वेश्चन ना होमवर्क में देता हूँ सर एक्स्ट्रा क्लास में सर ने कहा कहा बच्चों को कि आप होमवर्क ना करें तो मैं वो पहले आपसे करवा लेता हूँ और फिर अगले दिन आपको करवा रहा था हूं। गेम ये चल रही होती है तो आप जो है वो अगले दिन करके आ जाते हैं तो जरा अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन वाले में मसला आ गया यस आज फिर एक्स्ट्रा क्लास कर लें शाइन वाला सवाल भी कर लेंगे और थोड़ा सा आई एफ आर एस पंद्रह भी कर लेंगे मैं कब से इंतज़ार कर रहा था मेरा कोई बच्चा कहे शाहीन वाले सवाल में मसला है परसों परसों ज़्यादा हो जाएगा काम थोड़ा सा आज कर लेते हैं कुछ बोझ आज उतार लेते हैं क्या ख्याल है ठीक है सही है दो बजे रख लें फिर दो सवा दो बजे कर लेते सवा दो से सवा तीन और पौने चार तक इनशा हैं हो जाए है फिर क्लास हो जाए फिर क्लास चलो हो जाए ठीक है जी आज फिर इनशाला सवा दो से पौने चार चार हो ही जाते हैं लेकिन पौने चार इंशाल्लाह इरादा यही है डन हो गया चलो वैसे मैंने आज किया था नहीं क्लास रखनी है लेकिन बच्चों जो काम हो जाए अच्छा ही है देखो परसों जब मिलना है कल तो नॉर्मल एक क्लास करनी है परसों अगर मैं ज़्यादा टाइम के लिए आपको बुलाऊं तो ये काम भी तो होगा जो आज कर लेंगे तो ये जो आज हो जाएगा ये परसों नहीं करना पड़ेगा ना जो काम होता चला जाए तो जुम्मे हफ्ते तक क्लासें वैसे जाती नज़र आ रही तो फिर जो काम पहले हो जाएगा उतना बोझ ज़रा कम हो जाएगा ठीक है मैं यूँ भी करता हूँ दो दिन ऑफ़ करके एक ही दिन फुल बुला लूँ ये भी हो सकता है ये कर लेंगे डिसाइड अच्छा जी चले आए पे नंबर फाइव वन सिक्स पे वापस चला गया मैं इसमें जरा नहीं जा रहे थे सही जा रहे थे असल में बात और तरफ चल पड़ी ना हमने एक कॉन्सेप्ट नया पढ़ना था मैं ये कह रहा था ना बड़े ही मज़े का कॉन्सेप्ट है आसान भी बहुत है इतना आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं आप परेशान हो जाएंगे इतनी आसानी उसकी देख कर जी बेटा पेज फोर सिक्सटी नाइन पर आ जाए चले जरा ये एग्जाम्पल पढ़ें बल्कि पहले उससे भी आसान बात पहले कर लेते हैं पेज फोर सेवेंटी वन पे आए जो आज नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है उससे भी आसान बात पहले पढ़ते की क्लास तो खत्म होगी हुई है ना थोड़ा लेट पढ़ सकते हैं ना आज एफ वन की नॉर्मल आखिरी क्लास कर लेता हूँ ना फिर उनको भी पता नहीं सबको बुलाई जा रहा हूं एग्जाम्पल है यकम जनवरी 2008 है एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी टू वाई लिमिटेड इन एक्सचेंज फॉर 1000। थाउजेंड प्रोडक्ट ए इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी एंड प्रोडक्ट बी इज टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 मार्च यकम जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है दो प्रोडक्ट्स डिलीवर करनी है पहली अट्ठाईस फरवरी को दूसरी इकतीस मार्च को हो जाएगी डिलीवर द प्रोमिस टू ट्रांसफ़र प्रोडक्ट ए एंड बी आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लीगेशन ठीक है और फोर हंड्रेड इज एलोकेटेड टू एंड सिक्स हंड्रेड टू बी यानी सारे काम उसने करके दिए हुए पहली बात उसने क्या कि ऑब्लीगेशन दो हैं ठीक है दूसरी बात उसने क्या बताई हज़ार हज़ार की जो ट्रांज़ेक्शन प्राइस है हज़ार रुपये ट्रांज़ेक्शन प्राइस है पहली लाइन में लिखा हुआ था हज़ार रुपया की एक्सचेंज में ए और बी दे रहा है ना तो हज़ार रुपये की ट्रांज़ेक्शन प्राइस है जिसमें से एलोकेटेड है छः सौ रुपये चार सौ रुपये ए को और छः सौ रुपये बी को ठीक हो गया अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि यकम जनवरी को तो सिर्फ क्या हुआ है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आगे वो कहता है एक मिनट अब ये वाली बात तो मैं आपको बाद में खुद बताऊंगा ना बल्कि पढ़ी रहे वो कहता है चलो ठीक है यहां से ही पढ़ते हैं 600 और 400 एलोकेट कर दें एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड्स रेवेन्यू एंड रिकॉर्ड्स इट्स अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन व्हेन कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट इज ट्रांसफर टू वाई लिमिटेड ठीक है इसका मतलब रेवेन्यू uh, तो होना ज़ाहिर सी बात उसी वक्त ही होना है जिस दिन डिलीवर हमने गुड्स को करना है ठीक है गुड्स हैं ना और सेपरेट हैं तो पहले वाली के डिलीवरी पर पहले का रेवेन्यू दूसरे के ऊपर दूसरे का रेवेन्यू ये बात नहीं आज दूसरी तरफ की बात होने लगी है ठीक है ना आज दूसरी तरफ की रेवेन्यू हम पढ़ा है कब रिकॉर्ड करना है कितने पे करना है ठीक है इस वक्त बात क्या हो रही है क्या बल्कि क्या से पहले यकम यक जनवरी को तो कुछ नहीं हुआ सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है ठीक है ना पहला काम हुआ है प्रोडक्ट बी की डिलीवरी 28 फरवरी को 28 फरवरी को रेवेन्यू बुक किया आपने प्रोडक्ट ए का कितना 400 और उसके बाद आ, 31 मार्च को 31 मार्च को आपने रेवेन्यू बुक किया प्रोडक्ट बी का छः मुझे बताओ जब आपने ए का रेवेन्यू बुक किया तो इसका जो राइट है टू रिसीव पैसे ऑफ ए क्या ये किसी कंडीशन पे लगे हुए हैं किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट हैं खामोशी केस में भी नहीं होते लेकिन सवाल तो खुद चीख के कह रहा है कि अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन आ जाता है एक्स के पास जब गुड्स डिलीवर होती हैं कोई कंडीशन एंड कंडीशन कंडीशन क्या थी सिर्फ चीज़ें देना वो दे दी अब रिसीवेबल अब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया आपने तो जो राइट टू रिसीव मनी है पैसे तो अभी आए नहीं वो कंडीशन लगी हुई है उसके साथ कोई या नहीं आपको वाई ये ए प्रोडक्ट जो है ये डिलीवर करते ही इसके रिसीवेबल के साथ उसने कोई शर्त लगाई हुई है वो कह रहे हैं अनकंडीशनल राइट है तो हमारा स्टैंडर्ड जो है इस अनकंडीशनल राइट right को कहता है रिसीवेबल क्या कहता है जी जिसको आप डेटर कहते आए हैं आज तक वही मैं ब्रैकेट में लिख लूँ लेकिन सवाल ये स्टैंडर्ड वाले अल्फाज़ ज़रा लिखना चाह रहा था ठीक है ना डेटर रिकॉर्ड होगा कब जब आपका अनकंडीशनल राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश हो जाता है ठीक है जी ये बात समझ आई बोलो अच्छा जी अभी बता रहेगा ना वैसे तो ऐसे करते हैं लेकिन कब ऐसे नहीं करेंगे ठीक है यहाँ तक को मसला नहीं है तो अगली बात करूँगा ना ये तो बुनियादी बात है अभी हाँ हम समा यारह से आगे नहीं पढ़ सकते इस क्लास के अंदर टैक्स वाले तो हैं <coughs> वो तो नहीं ना गए कहीं अच्छा उनकी क्लास ख़त्म हो गई है पता नहीं सर क्या थे इकत्तीस तक ही लेके जाऊँगा अब आज क्या है अच्छा सुने 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 कॉन्सेप्ट क्या है जी अगर आपका अनकंडीशनल राइट टू तो रिसीव एस्टेब्लिश हो जाए तो इसको स्टैंडर्ड कहता है रिसीवेबल कहो क्या कहो जी रिसीवेबल डन अच्छा अगली बात अगला सवाल देखें आप बैल well, इधर पढ़ लो 8.1 क्या है जी रिसीवेबल की डेफिनेशन स्टैंडर्ड देता है एन अनकंडीशनल राइट टू कंसीडरेशन इज प्रेजेंटेड सेपरेटली एज रिसीवेबल ठीक है राइट टू कंसीडरेशन इज अनकंडीशनल ओनली द पैसेज ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड बिफोर पेमेंट ऑफ दैट कंसीडरेशन इज ड्यू बात समझ आ रही है कह रहे हैं कि जी यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन बाकी है वो जो हमने मतलब कंडीशन क्या है उसने एक आधा उधार पे चीज़ें बेचनी है उधार पे चीजें बेचनी है पैसे तो बाद में आने हैं ना तो सिर्फ बाकी क्या है वक्त बाकी क्या है वक्त का गुजरना वो अगर सिग्निफिकेंट हो जाए तो हम प्रेजेंट वैल्यू और ये सारे काम करते थे ठीक है है ना तो वो क्या कह रहा अनकंडीशनल राइट right क्या है राइट टू कंसिड अनकंडीशनल इफ ओनली द पैसेज ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड बिफोर पेमेंट ऑफ दैट कंसिडरेशन इज ड्यू कहता है कि इस दिन जिस दिन हमने ये ए को डिलीवर किया उस दिन सिवाय इसके और कुछ भी बाकी नहीं है कि वक्त गुजरे और वो पैसे दे जाए अब पढ़ो जरा दोबारा अनकंडीशनल राइट अ राइट टू कंसिडरेशन इज अनकंडीशनल इफ ऑनली द गुजरना ऑफ वक्त इज रिक्वायर्ड बिफोर पेमेंट ऑफ दैट कंसिडरेशन ठीक है कि जब वक्त गुजर जाएगा तो वो पैसे आ जाएंगे वक्त गुजरने के अलावा और कुछ है दो महीने का टाइम दिया होगा उसको तो वो वक्त गुजरना ही रह गया है। और कोई कंडीशन अटैच नहीं है ठीक है ना सही है अच्छा ये इतनी बारीक सी बात क्यों हमने की पहले कोई तो वजह होगी कोई तो बात होगी कोई तो चक्कर है अब वही चक्कर ढूंढने के लिए हम एग्जाम्पल टू में आए एग्जाम्पल टू पढ़े एक्स लिमिटेड सोल्यूशन आपने नहीं पढ़ना सिर्फ क्वेश्चन इससे अगले सफे पे है फोर सेवेंटी टू सिर्फ एग्जाम्पल पढ़े ऊपर नीचे कुछ भी नहीं पढ़ना एक्स लिमिटेड एंट्रेट टू ट्रांसफर डे एंड बी टू वाई इन एक्सचेंज ऑफ आर पर डेज डिलीवर्डाइज यहाँ तक तो सेम था सवाल आगे देखो द टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑफेशन बिल्कुल ये भी पहले की तरह है फोर हंड्रेड इज एलोकेटेड टू ए एंड सिक्स टू बी ये भी सेम है रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड वैन कंट्रोल ऑफ ईच प्रोडक्ट ट्रांसफर टू वाई पी एल सी होना भी ऐसे ही चाहिए ये भी सेम है ओ oh. here comes the giant of today's class payment of giant hai nahi aise bahut mazey ka concept giant aise maine bol diya ki nahi kya aayi na payment for the delivery of product a is conditional on the delivery of product b customer kya keh raha hai मुझे product B deliver करोगे तो मैं A के पैसे दूंगा तो customer ने payment को लगा दिया condition के साथ बोलो अच्छा आगे वो कहता है आगे बताया भी गया एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए पहली बार है ना दैट इज द कंसिडरेशन ऑफ वन थाउजेंड इज ड्यू ओनली आफ्टर एक्स लिमिटेड हैज़ ट्रांसफर बोथ ए एंड बी टू वाई लिमिटेड कंडीशन कब ये अनकंडीशनल कब होगा जब दोनों ही चली जाएं अभी कंडीशन लग गई ठीक है दिस मीन्स दैट एक्स लिमिटेड हैज कंडीशनल राइट अ रिसीवल टू रिसीव मनी फॉर प्रोडक्ट ए एग्जाम्पल है ना बताया जा रहा है आपको बार बार सवालों में ही होगा सवाल में तो बस इतनी सी बात होगी जो पहली लिखी हुई थी द फॉलोइंग अच्छा फॉलोइंग तो बाद में अब मुझे बताओ गुड्स तो वैसे डिलीवर हो रही पहली 28 फरवरी को एंट्री करोगे आधी आधी एंट्री कर रहा हूँ मैं ठीक है रेवेन्यू क्रेडिट कितने से अब आप कहो ना सर कहो ना कि इसको सर आपने क्यों रिकॉर्ड किया है कहो नहीं तो आप लोग ये कहो ना क्यों रिकॉर्ड किया हाँ ऐसे बोलो क्यों रिकॉर्ड किया सर इस तो कंडीशन लगी हुई है क्यों रिकॉर्ड किया इसको कंडीशन तो एक लगी हुई है पेमेंट के ऊपर हमारा स्टैंडर्ड अभी तक जो पढ़ के आए आएफर पंद्रह मुझे कहता था कि जिस दिन पीओ ओ सेटिस्फाई कर दो रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर लो अब गुड्स डिलीवर हो गए तो रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करना है कंट्रोल जो तो ट्रांसफर हो गया है यहाँ तो हम मजबूर हैं लेकिन कोई नहीं देखते हैं आगे बढ़े इकतीस मार्च को रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया पहले एक का हुआ था अब बी का हो गया कितना छ सौ अच्छा अब इधर देखो रिसीवेबल जिसको हम डेटर कह रहे थे डेटर कहो रिसीवेबल कहो ये तो पूरा एक हजार का आज हो जाना है ऐसे ही है ना तो बोलो सही बात समझ आती है अब एक मसला सिर्फ रह गया वो मसला है इधर क्या डेबिट करें एंट्री तो करनी है जब हमने अपनी गुड्स डिलीवर कर दी हैं तो कोई चीज़ तो यहाँ भी डेबिट हो अब आई फरस पंद्रह ने आगे बढ़ के कहा जब तक तुम्हारा राइट टू तु रिसीव कंडीशनल हो अपॉन एनीथिंग एनी थिंग तब तक तुम उसे रिसीवेबल नहीं बोल सकते तब तक वो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एसिड के नाम से दिखाना पड़ेगा कौन सा एसिड जी कॉन्ट्रैक्ट एसिड के नाम से दिखाना पड़ेगा और जिस दिन वो कंडीशन मीट हो जाए उस दिन तुम तो उस कॉन्ट्रैक्ट एसिड को रिक्लासीफाई करके रिक्लासीफाई करके रिसीवेबल बना सकते हो अब ये रीक्लासीफाई तो है मैंने तोड़ के एंट्री नहीं की असल में ये एंट्री असल में यूं हुई पड़ी है ठीक है कि हमने क्या किया जी हमें सबसे पहले तो कहा लो जी रिसीवेबल डेबिट सेल ऑफ बी क्रेडिट डेटर डेबिट आसान कर लें डेटर डेबिट डेटर डेबिट डेटर कह ही सकते तब है बी का तो अनकंडीशनल ही है ना बी के साथ तो कोई कंडीशन अटैच नहीं है ऐसे ही है तो डेटर डेबिट सेल ऑफ बी क्रेडिट 600 से और साथ ही ख्याल आया ओए वो पहले वाला उसका क्या करें भाई वो भी आज कंडीशन मीट हो गई है डेटर बना लो आज उसको कॉन्ट्रैक्ट एसिड के औहदे से हटाओ और उसको क्या बना लो डेटर सही है तो री जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती 28 फरवरी से 31 मार्च तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो हमारा ये रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करना था हमारे इस रिसीवेबल को पता लगे यूजर को कि ये कंडीशन वाला रिसीवेबल है इसका नाम बदल दिया स्टैंडर्ड ने ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट एसेट और जिस दिन ये कंडीशन मीट हो गई उस दिन इस कॉन्ट्रैक्ट एसेट को रिक्लासीफाई करके रिसीवेबल लेटर बना लो रिक्लासीफाई कर लिया आरजी तौर तो पर आया था ठीक है ना ये मैंने अलग अलग एंट्री करने की वजह वहां कमाई की हुई है बेसिकली क्या हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट हुआ था ये क्रेडिट होकर आज रिसीवेबल रिक्लासीफाई कर दिया क्या इसके पीछे लॉजिक होगी देखो मिसाल के तौर पे हमारा ईयर एंड जो है वो आ जाता है अट्ठाईस फरवरी को तो बैलेंस शीट के अंदर ये चार सौ रुपये करंट एसेट्स में अलग नज़र आएगा रिसीवेबल अलग नज़र आएंगे यूजर को पता होगा कि ये कंडीशन वाला है पता होना चाहिए बस आय ने कहा कि मुझे कंडीशनल वाले रिसीवर्स अलग से नज़र आने चाहिए मुझे मेरे ख्याल से ये कंडीशन लगी हुई है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट को जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए ठीक है सही है एंट्री नीचे यही होंगी देख लो इकट्ठी हुई हुई यहाँ पर भी तोड़ के भी कर सकते हैं ठीक है थीके? सेल बुक की बी की क्योंकि बी की डिलीवरी कर दी है यहाँ पर और इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है तो ये डेटर और जो पिछली सेल बुक की थी उसका रिसीवेबल कंडीशनल था इस डिलीवरी के ऊपर जिस दिन ये डिलीवरी हो गई तो उस दिन आपने इसको भी रिक्लासीफाई करके एसिड बना डेटर बना लेना है रीक्लासीफाई करके रिसीवेबल बना लेना गॉट इट अब तो बोलो एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अच्छा ये तो हो गया पढ़ो कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट अ सप्लायर माइट ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू अ कस्टमर बिफोर द कस्टमर पेज कंसिडरेशन और बिफोर पेमेंट इज ड्यू अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या कहते हैं ये तो बाद में पढ़ाएंगे अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज अ सप्लायर्स राइट टू कंसिडरेशन इन एक्सचेंज फॉर गुड्स दैट इट हैज ट्रांसफर टू कस्टमर बट राइट टू रिसीव मनी इज कंडीशनल ऑन समथिंग ठीक है अंग्रेज़ी बाद में भी पढ़ लेंगे फिलहाल तो राइट टू रिसीव बस इतना याद रखो राइट टू रिसीव मनी अगर कंडीशनल हो अपॉन समथिंग तो फिर वो जब तक कंडीशनल रहेगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट एसिड अ कॉन्ट्रैक्ट एसिड इज रिक्लासीफाइड एज रिसबल वैन सप्लाई राइट टू कंसीडरेशन बिकम्स अनकंडीशनल जब अनकंडीशनल हो जाए उसके बाद क्या कर लो उसको रिक्लासीफाई करके उसको रिसीवेबल बना लो ठीक है जी सही है? चलो अब आओ जरा पास पेपर पे थोड़ी सी गेम ऑन करते हैं ये सारे बीच में फड़कने लगे हैं सवाल लेकिन सबसे पहले तो सबसे आगे सबसे ऊपर पीक सुपर्स, पीक पिक सुपर्स, पहले मैं करवाऊँ ये सवाल पास से पर एट का क्वेश्चन वन देखो ये तो हो गया हो गया थ्री थ्री सॉरी ये तो हो गया थ्री देखो टी एम एल एंड टू सेल वन यूनिट ऑफ ए एंड मशीन बी फॉर टोटल प्राइस ऑफ सिक्सटीन ए वॉज डिलीवर्ड इन दिसंबर उन्नीस कस्टमर वायल मशीन बी वॉज डिलीवर्ड इन जनवरी हमारा एंड बीच में आ रहा है ऐसे ही है बोलो दो मशीनें ए और बी टोटल प्राइस सोलह मशीन ए को डिलीवर करना है दिसंबर में बी को करना है जनवरी में ठीक है वो करना नहीं मतलब वो कह रहा है हुआ है ये काम हुआ है ठीक है ना बहरहाल मशीन ए वॉज डिलीवर्ड हो गया दंसिडरेशन ऑफ सोलह मिलियन ये क्या है जो टोटल पैसे मिलियन इज ड्यू ओनली आफ्टर टीएमएल ट्रांसफर बोथ द मशीन टू कस्टमर यह पॉइंट भी इस पॉइंट पार्ट भी बचा हुआ था अब पढ़ लिया अब समझ में आता है ठीक है अब वो क्या कह रहा है करेक्टिंग एंट्री चलो माशाल्लाह कहता है जी ये 16 मिलियन तब ड्यू होगा जब टीएमएल दोनों मशीनें कस्टमर को ट्रांसफर कर दे हमारे साल में तो अभी एक ही हुई है ये एंड हो रहा है ना इकतीस नंबर ये एंड है और दिसंबर 19 में हमने एक मशीन डिलीवर कर दी अगली तो जनवरी में होनी है ठीक है आगे कहता है टीएमएल सेल्स मशीन ए एंड बी एट स्टैंड प्राइस ऑफ 12 एंड 8 मिलियन रिस्पेक्टिवली अकाउंटेंट ने तो जो किया वो तो बाद में देखते हैं ना अब ठीक है अब जी वर्किंग नंबर वन अब इस सवाल की आ गई जी बच्चों uh, दो हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस दो हैं कौन कौन सी मशीन ए और मशीन बी देखो ना आप चीजें मि मिक्स होती है ना तो फिर वह आता आहता जाके बंदा वहां तक पहुंचता है लेकिन अब आप देखो आप कितने को पास से ऐसे हैं जो आप फटका गए हैं ठीक है जी स्टैंड लोन प्राइस बताएंगे सवाल से देखकर कर बारह और आठ जी इसका टोटल नहीं करना नहीं करना एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस जी सोलह ठीक है अब अगला काम आप करें जी बच्चों बीस बांटो जी नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स पॉइंट फोर तो बाद अगला काम क्या करते होते थे ताकि भूल से उठाना ले लें जी ओरिजिनल वर्किंग हो गई है ओरिजिनल एंट्रीज वो ऊपर हेडिंग चल रही है ना वही चला लें जी बेटा बोलें आ, किस दिन दिसंबर दिसंबर 19 में मशीन ए ट्रांसफर हो गई रेवेन्यू तो इसका बुक होना ही होना है क्योंकि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तो रेवेन्यू ऑफ ए क्रेडिट कितने से और चूंकि उसने एक लाइन लिख दी उसने ये वाली लाइन लिख दी ये येलो लाइन द कंसिडेशन ऑफ 16 मिलियन पूरी कंसिडरेशन इज ड्यू ओनली आफ्टर टी एम एल ट्रांसफर्स बोथ द मशीन्स टू कस्टमर तो इसका मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट एसिड को डेबिट करना है जब तक दोनों हो ना जाए ठीक है अगली एंट्री फिर मैं कर नहीं रहा ठीक है बोलो तो रेवेन्यू क्रेडिट करना है और कॉन्ट्रैक्ट एसिड को डेबिट करना है अगली एंट्री में क्योंकि मेरे रिक्वायर्ड नहीं है वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं तो चलो करके मैं मिटा देता हूँ जनवरी बीस जब आएगा तो जनवरी बीस के अंदर क्या होगा जनवरी बीस के अंदर पहले बी डिलीवर होगी सिक्स पॉइंट फोर फिर हम कहेंगे जी लो जी आप तो सारे का सारा डेटर है डेटर सिक्सटीन और ये कॉन्ट्रैक्ट एसिड नाइन पॉइंट सिक्स का जो है ये रीक्लासिफाई हो जाएगा ऐसे कम्बाइंड एंट्री सिखाई थी अलग अलग भी कर सकते हैं ठीक है, है? तो सही है लेकिन आप अब इसको उठा ना लें गलती से ये हमारे सवाल से बाहर की बात है ठीक है ना हमारा साल गुजर चुका है ना तो बोलो तो इसको मैं मिटा रहा हूँ ये होना चाहिए था बस ये होना चाहिए था नेक्स्ट वो कहता है वो कहता है द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड रिसीवेबल एंड रेवेन्यू ऑफ 12 मिलियन अपॉन डिलीवरी ऑफ मशीन ए उसने रिसीवेबल 12 का बुक कर लिया सारे का सारा तो थोड़ी सी गड़बड़ है ठीक है पता नहीं 12 कैसे कर लिया शायद स्टैंड लोन प्राइस के ऊपर यानी उसने शायद ये काम भी कोई नहीं किया हुआ और अगला काम उसने नहीं सोचा शायद आई फर पंद्रह नहीं पड़ा होगा उसने ठीक है सिंपल अकाउंटेंट होगा ना अब आप तो तिलों वाले हो गए ठीक है इंट्रो लेवल पे भी लिख सकते हैं Debtor, उसने क्या लिखा हुआ है अल्फाज वैसे नहीं, नहीं नहीं उसने क्या लिखा हुआ रिकॉर्डेड रिसीवेबल एंड रेवेन्यू अच्छा लगेगा जरा रिसीवेबल एंड रेवन्यू है रिसिवेबल डेबिट और रेवेन्यू तो लिखना ही था क्योंकि मैंने करेक्शन है ना रेवेन्यू क्रेडिट ठीक है जी कितने से लो जी कर लो कमाई अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डेबिट होना था नहीं हुआ कर लीजिए रेवेन्यू क्रेडिट होना था 9.6 से वो हो गया है 12 से तो कुछ डेबिट कर ले 2.4 से रिसिवेबल गलत डेबिट हुआ पड़ा है सही करने के लिए क्रेडिट कर लेंगे ठीक है अब चूंकि एक्स्ट्रा क्लास रख ही ली है चुनाचे अब अभी क्यों ज़्यादा पढ़ें लेकिन एक सवाल जो है इसकी बुनियाद डाल लें यह सवाल मैंने करवाना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन के चेक करो क्वेश्चन को ज़रा पंद्रह नंबर का सवाल है सवाल ही एक का है फिर ना कहना ख़बर ना हुई अच्छा मज़ा आए एक्स्ट्रा क्लास में मैं आऊँ एना काम करा दूँगा दूजा शाहीन जिसकी वजह से जिसकी परवाह से ज़माना जल रहा था उसकी बारी ही ना आए हाँ आई फ़ार एस पंद्रह तो करना ही करना है वो भी शह करेंगे ठीक है भाई मैंने एक्स्ट्रा क्लास रख दिया एफ आर टू की हैं जिस बात में आके अब पछता रहा हूँ यहीं यहीं यही, वहाँ पे क्लास चल रही है उनकी। तो फिर अगर मज़ा आ गया तो पढ़ते जाएंगे लेकिन बार मेरा दिला नहीं नहीं पहले बता रहा हूँ असर तक असर तक मैंने घर जा तैयारी भी करनी है ना मुझे याद आ गया कोई आज नहीं रखनी जी क्लास एक्स्ट्रा मैंने नहीं 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 अब रख दी अब अब मैं नहीं पीछे नहीं मुड़ सकता अब मैंने सीएमए की तैयारी भी करनी थी अब नहीं हो सकता कुछ भी अच्छा ये तो देखें जी सवाल है इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर जर्नलिस्ट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ टी ई फॉर दर एंड इकतीस अठारह एंड उन्नीस एंट्रीज विदाउट डेट विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स ऐसी भी कभी कभी फनकारी लग जाती है अच्छा जी थर्सडे एंटरप्राइजेस इज अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट जी एंड हैज़ प्रोवाइड यू द फॉलोइ इंफॉर्मेशन ऑनम अगस्त 18 ये एंड क्या है जी 31 दिसंबर 18 भी है और 19 भी दो साल की एंट्रीज करनी है माशाल्लाह ऑन यकम अगस्त 18 पहले साल में टी एंटर इंटू अ सिक्स मंथ कॉन्ट्रैक्ट जाहिर अब अगस्त के अंदर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये पूरा अगले साल में जाके होगा करना तो उसने ऐसे ही था हमारे साथ हैं जी अगस्त अठारह में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है छः महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये अगले साल उन्नीस में जाके पूरा होना है ठीक है अच्छा जनवरी फरवरी में जाएंगी जब भी जब भी अगले साल तो जाएगा ना नेक्स्ट विद कस्टमर अल्फा फॉर सेल ऑफ जी मतलब बच्चा इसी में परेशान रहे टी अल्फा जी बीटा जी पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें प्रोडक्ट जी जो है वो बेचनी है 200 पर यूनिट के हिसाब से अंडर द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस इफ़ अल्फा परचेज मोर देन 5000 यूनिट्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द प्राइस पर यूनिट वुड बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड टू चार सौ दो सौ पंद्रह समझ नहीं आई ढाई सौ रुपये ढाई सौ रुपये का एक जी है लेकिन अगर तुमने हमने कस्टमर कहा अगर तुमने पाँच हजार से ज़्यादा परचेजेस कर ली तो हम अगली तो दो सौ पंद्रह की देंगे ही पुरानी पे भी डिस्काउंट देंगे तुम पहले कह है कि बाद में ना आओ मुकर जाओ कि हम मुझे अभी डिस्काउंट हो रही तुम डिस्काउंट तुम्हें देंगे हम पाँच हज़ार से ऊपर जाओगे तो देंगे लेकिन लेकिन रिट्रोस्पेक्टिवली करेंगे टेंशन ना हो लेकिन पाँच हज़ार से ऊपर तो जाके दिखाओ पहले वो कह सकता है ना भाई जाना आपने बाद में तो करना ही है मैम मैं कसम से मैं करूँगा मैं, मैं भाई कसम को नहीं चलो हमारा अपना अंदाज़ा होगा ना असम तो उस बेस के ऊपर होता है ठीक है अब कहता है टी इज अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिडरेशन वुड बी एस्टैब्लिश्ड अपॉन भाई वो किस वक्त बच्चों ने कहा हुआ था माज के बाद चलो ठीक अच्छा टी इज अनकंडीशनल राइट टू तो रिसीव कंसीडरेशन वुड बी एस्टेब्लिश अपॉन कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बाय अल्फा फॉर फर्स्ट ऑर्डर अजीब सी बात द प्रोसीजर वुड टेक वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स कहता है अनकंडीशनल राइट जो है वो कब अस्टैब्लिश होना है डिलीवरी के एक हफ़्ते बाद कह सकते हैं पहली डिलीवरी के एक हफ़्ते बाद और सब्सिक्वेंटली ऑर्डर प्लेस करते ही असल में अल्फा पता क्या कह रहा है ये जो अल्फ़ा कस्टमर है ये कह रहा है कि भाईजान आपसे मैं पहली बार चीज़ें ले रहा हूँ आप जो पहली डिलीवरी करोगे उसको मैं अपने क्वालिटी कंट्रोल से गुजारूंगा अगर तो वो ठीक निकल आई तो उसके बाद फिर आपका कंडीशनर राइट right नहीं रहेगा अनकंडीशनल राइट right हो जाएगा ये चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर लूंगा और एक हफ्ता इंतजार करोगे ना तो अगली बार मेरे फ़ोन पर ऑर्डर देते ही तुम्हारा अनकंडीशनल राइट होगा अनकंडीशनल राइट टू देखो आज रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है जरूर आना क्लास के अंदर ये जितने बच्चे बैठे हो सारे आना मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ अभी ये आज रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है हिम्मत करके आ जाना ये सवाल इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके अंदर शौक पैदा और आ जाए रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कब होना है जब पाँच यूनिट्स डिलीवर होने हैं जब जब होने हैं थोड़े थोड़े करके हों तो जब जब हो रहे हैं लड़ाई तो उसकी है ही नहीं लड़ाई तो डेबिट की है डेबिट में रिसीवेबल कब लिखना है कॉन्ट्रैक्ट एसिड कब लिखना है रेवेन्यू की तो बात ही नहीं हो रही बात समझ आ रही है तो पहला ऑर्डर कुछ इस तरह का है कि वो कह रहा है जी पहले पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर वो कहता है पहले ऑर्डर पे आपको डिलीवरी के भी छः दिन बाद कंडीशनल राइट आपका जो है अनकंडीशनल होगा यानी कि वो एक हफ्ता हमें कॉन्ट्रैक्ट एसिट रखना पड़ना है मेरे ख्याल से ऐसा है ना ठीक है जब तक कंडीशन अटैच रहेगी और उसके बाद जब भी कभी मैं फोन करूंगा उसी दिन डेटर बुक कर ले चीजों के आने की भी जरूरत नहीं है यह अलग मुसीबत है इसमें छोटी सी एक ये और नई चीज है ठीक है आगे वो कहता है एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टी कंक्लूड दैट एल्फाजेज विल नॉट एक्सीड पांच हजार अब यहां पर हमारी एस्टिमेट एक्सपेक्टेशन जो है वो मैटर करेगी हम सेल बुक करेंगे दो सौ पचास पे हम रेवेन्यू बुक करेंगे दो सौ 50, हमें उम्मीद है कि वो नहीं आएगा रेवन्यू बुक करेंगे दो सौ पचास अब आगे देखो एल्फा प्लेसड फॉलोइंग ऑर्डर दस अगस्त को तीन हजार यूनिट्स का आया डिलीवर कब हुआ है लेकिन अनकंडीशनल राइट इस दिन नहीं होगा इसके एक हफ्ते बाद ठीक है सात दिन बाद पेमेंट डेट उसके भी बाद है रिसीवल पर माना था उसने कॉन्ट्रैक्ट एसिड ये चेक करना था ठीक है और अगला पच्चीस दिसंबर को है चार हजार यूनिट्स का निकल गया आगे एक तो हमें रिट्रोस्पेक्टिवली इसको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा ठीक है रेवेन्यू ज़्यादा बुक हो गया सही करना पड़ेगा और दूसरा हाँ यहां पर डिलीवरी डेट नहीं देखनी यहां पर ऑर्डर डेट देखनी है क्योंकि उसने कहा था अनकंडीशनल राइट ऑर्डर डेट पर ही जिस दिन ऑर्डर दूंगा हो जाएगा यही तो दिखाना है आपको अगले ब्रेक के ये जो आप आना आना है ना एक्स्ट्रा क्लास में हमने मैंने इसको पहले ना तो तेज़ी में करवा के तो फिर कहना था ज़रा कल दोबारा करेंगे लेकिन अब मैंने एकदम से कहा कि यार थोड़ा शौक़ पैदा करते हैं ट्राई करना बेशक उठियाँ सीधियाँ ए एंट्रियां करके आ जाना मैं खुद जब करवाऊंगा तो एक तो पक्का भी हो जाएगा अगर टाइम मिले तो और ना मिले तो कोई मसला मैं तो नहीं मैंने तो करवाना ही ठीक है ये समझ आता है ओके okay, नेक्स्ट यकम फरवरी 19 को एक और छः मंथली कॉन्ट्रैक्ट है ये बीटा के साथ है और उसको भी ढाई सौ पर यूनिट देना है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है बीटा परचेज अगर मोर देन पंद्रह यूनिट्स करेगा तो उसको हम रिट्रोस्पेक्टिवली 215 पे लाएंगे अब ये पुराना कस्टमर होगा इसलिए इसको ज्यादा लेवल पे रखा हुआ है हमने इज़ अनकंडीशनल राइट टू रिसीव कंसिड वुड बी अपॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स जीव। ये नॉर्मल है जब डिलीवर होंगे उसमें अनकंडीशनल राइट होगा कंडीशन को अटैच भी नहीं है एट द इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ई कंक्लूड्स दैट बीटा विल मीट पुराना कस्टमर लग रहा है वो कह रहे हैं जी पंद्रह से ऊपर ही जाएगा तो रेवेन्यू बुक करते हो दो सौ एक्सपेक्टेशन को हमने मद्देनजर रखना होता है चौदह फरवरी को दस यूनिट्स का ऑर्डर दिया डिलीवरी डेट ये इसकी डिलीवरी डेट ये तो ये नॉर्मल हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी अब नॉर्मलिटी है ये सवाल इंशाल्लाह 20 मिनट में हमने करना है उसके बाद फिर आगे बहुत कुछ करना है अल्लाह हाफिज़